यहां शुक्रवार को कार सहित बहे लड़के की तलाश शनिवार को भी जारी रही। वहीं इस हादसे से गुस्साए लोग शनिवार को करतारपुरा नाले पर जमा हो गए। इसकी सूचना मिलते ही ज्योतिनगर व महेशनगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों को समझाया। नाले की लंबाई काफी होने के कारण लापता लड़के का अभी तक पता नहीं चला है। करतारपुरा नाला पुलिया के ऊपर 3 फीट से अधिक पानी होने के बावजूद सीएसए के नियर के एक स्टूडेंट ने अपनी कार तेज बहाव में उतार दी। इससे बहाव के साथ नाले में कार बह गई। करीब 70 मीटर तक स्टूडेंट 7-8 फीट गहरे पानी में बहती कार के अंदर था, लेकिन फिर गेट खोल कार की छत पर पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बचने के लिए आयुष गर्ग कार की छत पर लेट गया। कुछ दूर जाने के बाद पानी का एक और तेज बहाव आया और कार पलट गई। इसके बाद आयुष नजर नहीं आया। 22 साल का आयुष गर्ग किसान मार्ग पर रहता है। आयुष के पिता की घर के पास किराने की दुकान है। ताऊ सुशील ने बताया कि 3 भाइयों में आयुष दूसरे नंबर का है। सुबह करीब 7:15 बजे बारिश आने पर अपने बड़े भाई को 22 गोदाम कोचिंग छोड़ने के लिए कार से निकला था। 10 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश में निकले। यहां पहुंचे तो पता चला कि कार सहित वह बह गया था।